किसी कारणवश आपका विवाह का रिश्ता टूट गया और टूटने की कगार पर पहुंच गया तो फुलेरा ध्वज के दिन श्री कृष्ण भगवान को पीला चंदन पीला वस्त्र पीले मिष्ठान पीले फूलों की माला और पीली ही चीजें चढ़ाएं इससे कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को जोड़े से आप विधिवत पूजा करें इसके साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाएं ऐसा करने से भी विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं फुलर लौज के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने के बाद एक साफ कागज पर केसर से अपने जीवन साथी का नाम लिख दें और इसे राधा रानी के चरणों में चढ़ाए नए विवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर इस दिन राधा कृष्ण का विवाह के उपलक्ष्य में जमकर उन, उन पर फूल और गुलाल उड़ाया जाता है ब्रिज के मंदिरों में राधा रानी और कृष्ण भाव से गले तक फूलों में सरोवर होते हैं है रूप से प्रेम का त्यौहार है